दिल्ली से उत्तर प्रदेश अपने पैतृक निवास लौट रहे थे। ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। वे अपने स्टेशन पर उतरे तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनरों पर देर रात को सवारी मिलने में दिक्कत होती है। फिर राकेश का घर शहर के बाहर पड़ता था, इसलिए वे रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगे। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आए, उन्होंने एक युवती को साथ चलते देखा। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि वह हॉस्टल से घर आ रही थी। ट्रेन लेट होने के कारण परेशानी में पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर उस गुमटी के पास ही था जहां से राकेश के घर का रास्ता निकलता था। उसने कहा कि ठीक है, उसे घर पहुंचा कर ही वह आगे बढ़ेगा। उसने बताया कि वह इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। उसने पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं। राकेश ने कहा हाँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। उसने बताया कि वह टूर्नामेंट में उसे खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन के एक तरफ खेत थे और दूसरी तरफ छिटपुट आबादी। कुछ घर अभी बन ही रहे थे, कुछ घरों से रोशनी आ रही थी। उसके साथ बात करते हुए हम कब रेल फाटक के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। उसने इशारे से राकेश को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वह चली जाएगी। राकेश ने कहा कि उसे घर तक पहुँचा कर आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने कहा कि अब कोई परेशानी नहीं है। अतः राकेश ने कहा वह घर पहुँचने के बाद उसे आवाज़ देगी, तभी वह आगे बढ़ेगा। बहरहाल उसने अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद आवाज़ दी। आवाज़ सुनने के बाद राकेश अपने रास्ते पर चल पड़ा। 2-4 दिन बाद राकेश शहर की ओर निकला तो उसके घर के पास से गुजरते हुए उसे उस लड़की की याद आई। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा कि अर्जुन सिंह जी का घर कौन सा है। उसने घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास जो टहल रहे हैं वही अर्जुन सिंह हैं। राकेश उनके पास गया और कहा नमस्ते अंकल। वे राकेश को पहचानने की कोशिश करने लगे। राकेश ने कहा अंकल 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर जा रहा था तो आपकी बेटी रेखा मेरे साथ आई थी, अब वह कैसी है। अर्जुन सिंह राकेश की बातें खामोशी से सुनते रहे, फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। हम ड्राइंग रूम में ही बैठे थे कि एक लड़की ने ट्रे में बिस्किट और पानी रख गई। अर्जुन सिंह ने बताया कि वह उसकी छोटी बेटी शविता है। राकेश ने पूछा कि रेखा कहाँ है। इस पर अर्जुन सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया। वहाँ रेखा की तस्वीर टंगी थी जिस पर माला पहनाया हुआ था। मैं चौंक गया। अर्जुन सिंह ने बताया 2 महीने पहले की बात है, रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल जा रही थी। पीछे से 2 भैंसें दौड़ती हुई आई। कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेखा ने पीछे मुड़कर देखा। उनसे बचने के लिए वह रेलवे लाइन पर दौड़ गई। उसी वक्त एक ट्रेन आगे से आ रही थी जिसे कटकर उसकी मौत वहीं हो गई। यह कहते कहते उनकी आंखें डबडबा गई। फिर थोड़ा शांत होकर कहा रेखा बहुत ही हंसमुख लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी वो, पढ़ने में बहुत तेज थी। अच्छा बताओ वह तुमसे मिली तो उदास नहीं लग रही थी ना। राकेश ने कहा वह सामान्य छात्रा की तरह बात कर रही थी, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था। फिर राकेश धीरे से उठा और बोला अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा ठीक है बेटा आते रहना। राकेश भावुकता में बहता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों के सामने रेखा का चेहरा नाच रहा था। वह सोच में पड़ा था कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। दोस्तों, अगर यह छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।